अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पार्के रोड पे। अभी हम लोग हद से ज्यादा गर्मी में से बाहर आ रहे हैं। क्राउड देखो कितना ज्यादा है। तो क्या बोलती पब्लिक, जय श्री राम। 60 डेज 30 डेज के सीरीज में आज का डे 7। तो देखिए मैं अक्षय भाई के साथ में आज हम लोग आ चुके हैं डोंबिवली में। और यहाँ पर डोंबिवली मतलब दिवाली पहाड़ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज का मेरा पूरा आउटफिट देखिए, ये कुर्ता पैजामा कल शाम में मैंने लेके आया। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे पहन के आ चुका हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पार्के रोड पे, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से मतलब दिवाली का सेलिब्रेशन किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ढोल ताशे के पथक रहेंगे। तो अभी मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे की तरफ, मुझे आगे संस्कार भाई मिलेंगे। तो आगे बढ़ के आगे क्या सीन है वो आपको, आगे क्या दृश्य है वो आपको पूरा हमारे संस्कार भाई बताएंगे। तो आप सब कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, आपको आज वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। तो चलिए अभी बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे की तरफ। आप सब भी साथ में बोलिए गणपति अप्पा मोरया। तो अभी यहाँ से देखो ये डोंबिवली स्टेशन की गर्दी, आगे बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं दिवाली पार्ट के लिए। अभी ये ब्रिज से चढ़ के हम लोग को उस पर जाने गए, अभी चढ़ते पहले हम लोग ब्रिज के ऊपर। यहाँ से देखो सभी लोग एकदम अच्छे से तैयार हो गए, बढ़ रहे आगे की तरफ जैसे हम लोग तैयार हुए पार्ट के रोड। ये पूरा ब्रिज मतलब जो ऐसा स्काई वॉक गए पूरा जाम है पब्लिक से। सभी यही देखो पीछे ब्रिज से उतर के जैसे हम लोग उतरते हैं यहाँ पे रोड पे इतनी सारी पब्लिक तो देखने के लिए मिल रही है। और ऐसा लग रहा है कि सामने ही जो सेलिब्रेशन किया था सामने ही किया था वो। तो पब्लिक अभी पीछे आप सब ने देखा कि एक भाई मतलब उनका कुछ तो सिंगर का नाम वो थे, और उनके साथ में एक और लेडी सिंगर थी, वो दोनों लाइव परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहे थे। तो इतना सारा क्राउड वहाँ पे अलग था। और अभी भी सामने देखो स्टेज पे सर डांस चालू है, तो यहाँ का क्राउड देखो कितना ज्यादा है।
लोग हद से ज्यादा गर्मी में से बाहर आ रहे, वहाँ से आने के समय ना हम लोग की पूरी हालत खराब हो गई थी, मेरी और अक्षय भाई की, पूरा बहुत ज्यादा गर्मी है पूरा आगे तक का, तो ये बहुत बचते बचते हम लोग बाहर आए। हालत देखो हम लोग की, पूरी हालत खराब हो गई एकदम। पब्लिक, इसी के साथ में हम लोग का आज का दिवाली पार्ट मतलब मान लीजिए खत्म हो चुका है। अभी और पीछे कंटिन्यू ढोल चालू है, लेकिन हम लोग यहीं से जा रहे हैं घर पे। अभी फिर घर पर आने का लक्ष्मी पूजा में आप सब तो जानते ही हो, तो फिर घर पर आके हम लोग को अपने अपने गाड़ी की पूजा करने गए। भाई के पास KTM है, अक्षय भाई के पास। मैंने आपको लास्ट टाइम पर ही बताया था कि भाई की ID ब्लैक पैंथर करके है, तो मैंने लास्ट टाइम पर डिस्क्रिप्शन में दिया था, अब की बार मैं फिर दे देता हूँ। अगर आप सबने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाके कर लीजिए। तो अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे घर की तरफ। सो पब्लिक, डोंबेली से घर पे आने के बाद मेरी अचानक से ऐसे आँख लग गई, तो मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे संस्कार भाई से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन बहुत ही लेट हुई, तो उतने गर्दी में हम लोग को वीडियो लेने का टाइम नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैंने संस्कार भाई को दिखा नहीं पाया कि मुझे संस्कार भाई मिले थे। तो बहुत ही, जब मैं वहाँ से आया तो मैं थक चुका था, इसके लिए मैं सो गया। तो जस्ट अभी मैं उठा तो इसके लिए मेरे को वीडियो थोड़ा एंड करने में थोड़ा सा समय हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पब्लिक। और मैं आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाइए। तो चलिए फिर इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।